नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में भव्य आयोजन, कई योगा और आध्यात्मिक संस्थाओं को निमंत्रण। ब्रह्म कुमारी संस्था के 1000 से भी अधिक लोग हुए शामिल। हैप्पी, हेल्दी और एडिक्शन फ्री तमिलनाडु के लिए चेन्नई में जागरूकता रैली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम ने किया उद्घाटन। ब्रह्म कुमारीज और रेला हॉस्पिटल का संयुक्त आयोजन। और वर्ल्ड नो टोबैको डे के चलते देश भर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, रैली, चित्र प्रदर्शनी और नाटक द्वारा व्यसन मुक्त बनने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में योग उत्सव 2022 का भव्य आयोजन हुआ, जिसका आगाज तमिलनाडु के राज्यपाल माननीय डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंजापारा, आयुष मंत्रालय संयुक्त सचिव कविता गर्ग, ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की उपस्थिति में हुआ। योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित हुए इस भव्य आयोजन में ब्रह्म कुमारी, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, रामचंद्र मिशन, लव फॉर योगा ट्रस्ट समेत कई संस्थाओं से हजारों लोग उपस्थित रहे और योग किया। कार्यक्रम के दौरान बीके कुलदीप ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय जी किशन रेड्डी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया। वर्ल्ड नो टोबैको डे के चलते चेन्नई में ब्रह्म कुमारीज और रेला हॉस्पिटल ने मिलकर 2.5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। हेल्दी, हैप्पी और एडिक्शन फ्री तमिलनाडु की थीम लेकर निकाली गई इस रैली का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम, पर्यावरण एवं युवा कल्याण मंत्री थिरु शिवावी मेनाथन, डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट और मेडिकल सेंटर के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद रेला, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना के हस्त कमलों से हुआ। रैली की शुरुआत प्रसिद्ध ओल्ड कॉट स्कूल से हुई, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्य, कई स्कूल्स और कॉलेजेस के सदस्यों समेत 2000 से भी अधिक लोग शामिल हुए और तंबाकू के उपयोग के खिलाफ जागरूकता के नारे लगाए। आम जनता में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए WHO ने 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में निर्धारित किया है। इसी के चलते ब्रह्म कुमारी संस्था ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके चलते संस्था के सदस्यों ने तंबाकू सेवन और तनाव से मुक्ति पाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने का सुझाव दिया। आइए आपको दिखाते हैं स्टेट वाइज खबरें, जहां बीके सदस्यों ने वर्ल्ड नो टोबैको डे के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया। सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबरें, जहां छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा जिला पंचायत कार्यालय से विशाल जन जागृति रैली निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ छत्रसाल चौराहे स्थित श्रमिक प्रतीक्षालय में मजदूर वर्ग के लिए व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विधिक सेवा प्राधिकरण ADJ विक्रम सिंह, ADJ अनिल पाठक, बीके रमा, बीके माधुरी समेत कई अधिकारियों ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसी क्रम में जिला जेल में भी चित्र प्रदर्शनी द्वारा कैदियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक नुकसानों की विस्तार से जानकारी देते हुए व्यसन मुक्त बनने के लिए प्रेरित किया। बड़ा मलहेरा सेवा केंद्र द्वारा महाराजगंज में ग्रामीण वासियों को नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया गया। अब खबरें खजुराहो जिले की, जहां घूरा और सद्दुपुरा गांव में व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रेरित किया। संकल्प करता हूं कि आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा।
इसके बाद खबरें राजगढ़ जिले की, जहां पचौर में बीके सदस्यों ने रेलवे स्टेशन में आने वाले लोगों में जागरूकता फैलाई और ब्यावरा में ग्राम वासियों को व्यसन मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा कराई। इसी तरह से इंदौर के अन्नपूर्णा नगर और इंद्रपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सार्वजनिक स्थानों में व्यसन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई। इसके अलावा जबलपुर, झाबुआ, भोपाल, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर के रांची सेवा केंद्र, शाजापुर, ग्वालियर में भी बीके सदस्यों ने प्रदर्शनी, रैली, स्लोगन बोर्ड द्वारा लोगों को व्यसन मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया। ये तो रहा मध्य प्रदेश का सेवा समाचार। अब बारी छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर के शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन और अंतरराज्य बस टर्मिनल में नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। रेलवे स्टेशन में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, रेलवे के सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक शंभू शाह, वाणिज्यिक निरीक्षक एच एन मिश्रा और क्षेत्रीय निदेशिका बी के कमला ने किया। इसके पश्चात अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर बताया। वहीं बस स्टैंड में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन अपर कलेक्टर एन आर साहू ने किया और अपना अनुभव सुनाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित ये प्रदर्शनी यात्रियों के लिए काफी उपयोगी है। इस तरह की प्रदर्शनियों का निरंतर आयोजन होते रहना चाहिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में माउथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुरारी, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने इस दौरान कहा कि कोई कितना भी व्यसनी व्यक्ति हो, लेकिन राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से वो व्यक्ति व्यसन मुक्त बन सकता है। आगे डॉक्टर्स ने नशे के सेवन से तन और मन में पड़ने वाले दुष्प्रभावों से सचेत किया। इसी प्रकार जबलपुर के बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से सचेत किया। अब देखते हैं खबरें राजस्थान की, जहां बीकानेर के सादुलगंज सेवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन स्टेशन अधीक्षक दया शंकर पासवान, उप स्टेशन अधीक्षक अशोक सिंह राठौर ने किया। ऐसे ही जालौर में पुलिस लाइन और नगर परीक्षक कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वही भीनमाल में सालासर बालाजी मंदिर और गांव मेड़ा में व्यसन मुक्ति की लोगों को शपथ कराई। इसी क्रम में जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक डॉक्टर सचिन परम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऐसे ही बारी, भिलवाड़ा, बालोतरा, भादरा में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब खबरें हरियाणा की, जहां झोंझू कला बस अड्डे पर व्यसन मुक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र प्रदर्शनी का उद्घाटन हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य सचिव नवीन जय हिंद और बहल सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा, झोंझू कला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने किया। वहीं बहल सेवा केंद्र द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें 200 विद्यार्थियों को व्यसनों के दुष्प्रभावों से सचेत किया गया। ऐसे कुरुक्षेत्र के दाराखेड़ा सेवा केंद्र और जिला जेल में कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं रोहतक में भी व्यसन मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।